श्रोता जी, पंजाब सरकार श्री विकी श्रोता जी आओ जाओ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार को यह दसना चाहता अपने दाते समाज को कि जे प्रशासन जिहड़ा भी धक्का करता वा इन्हां नूं अपनी मर्जी का देश करके जे सानू प्रशासन ठीक करना तो सानू सब तो पहला इन्हां नूं सत्ता तो बाहर करना पऊगा। तां जिहड़ा दलित समाज है जिहड़ा तुहाडे खिलाफ अज प्रदर्शन कर रहा वा सड़कां ते भी उतरूगा ते बाद च फिर इह दूजी तरह भी अपना हिसाब कर लैणा चाहुंदा वा। इस करके प्रदर्शन रख्या इन्नियां गल्लां ते जुड़दा जा मैं राजकुमार अटवाल पंजाब प्रधान बीजेपी एससी मोर्चा। असी लगातार डेढ़ महीने तो पंजाब सरकार को धरना प्रदर्शन करते हुए साधु सिंह धर्मसोत का इस्तीफा तो उत्ते परचा दर्ज किया जाए। असी धरना प्रदर्शन भी किया बेनतियां भी कीतियां पर कैप्टन ने साधु धर्मसोत नूं क्लीन चिट देती। उन्हें 64 करोड़ रुपया साडा जिहड़ा दलित विद्यार्थियों का खाता ते ओह असी पूरे पंजाब दे विच एससी समाज सड़कां ते अज उतर गया ते आने वाले समय दे विच असी चुप आराम नाल नहीं बैठांगे। इन्हां नूं 22 दे विच इहदा जिहड़ा वा खमियाजा भुगतना पऊगा क्योंकि साडे जिहड़े बच्ची बच्चे आ उन्होंने जोड़ा आ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा स्कूलों कॉलेजों के आने वाले समय के साधु सिंह धर्मसोत जिते भी प्रोग्राम करेगा असी घराओ करा तो कैप्टन सरकार की कोठी भी घेरा। देखो कुछ दिन पहला यूपी के हाथरस कस्बे के जो एक मनीषा नाम की लड़की के नाल बहुत ही घिनौने तरीके दे नाल बलात्कार करके रीढ़ की हड्डी तोड़ के जीभ कट के उन्हों मार दिता गया उसका मर्डर कर दिता गया। ये बहुत ही निंदन योग अति निंदन योग घटना माड़ी घटना इस संसार में इस दुनिया में इस हिंदुस्तान की धरती पर कहीं वापर नहीं सकती। इन तो भी ज़्यादा माड़ी जी गल हुई सरकार वालों की गई जी 2:30 बजे रात को संस्कार कर दिया। सो इतों ये कह सकते हैं भी ये जी घटना हुई है सरकार की शह से हुई ये बलात्कार जो हो सरकार की शह से होया जोड़ा मर्डर होया सरकार की शह से होया। इस करके जिते उन्हें कालना सज़ा मिलनी चाहिए आ वो तो यूपी की सरकार डिसमिस होनी चाहिए। यूपी की सरकार के उन्होंने अधिकारियों से भी मर्डर का बलात्कार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने रात के 2:30 बजे उस लड़की का संस्कार किया परिवार को शामिल नहीं किया परिवार के भरोसे तो बिना ही काम किया। इस करके मैं समझना भी इस धरती के उत्ते
चलो आप कह सकते हैं भी बलात्कार पहला भी बड़ी बारी हुई और जरा वो कुड़ी के नाल अत्याचार करके एंड अंतिम संस्कार किया गया। ये सरकार की शह तो बिना हो नहीं सकता सी कितना कितने सरकार ये इनवॉल्व है। चौदह सितंबर नू इस देश की बेटी जिसनू जालमा ने चार ठाकुर ने पहला उसना गैंग रैप किया उस तो बाद वो बोल ना सके उदी जीभ बढ़ दी गई वो अपनी गल तुर के जा ना सके उदी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और लगातार 14 तरीक तो लैके 29 सितंबर तक वो बेटी अपनी जिंदगी ते मौत की लड़ाई जिहड़ी आ उहनू लड़दी हुई शहीद हो गई और इस तो इस देश दे अंदर इन्नी माड़ी ते घटिया गल जिहड़ी आ इतिहास के पन्नों च जिहड़ी जोगी ने लिखी आ कि 30 सितंबर नू उस बेटी नू पेट्रोल पा के 2:30 बजे परिवार की रजामंदी तो बिना परिवार को उत्थे आन नहीं दिता उन्हूं साड़ दिता जांदा वा और अज देखो किन्नी माड़ी गल हो रही है कि जेड़े लोग जेल च फड़े हुए ने चार गुनाहगार वो एक चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी जिहड़ी है ऐ रिलीज हो रही है जिदों किसी धार्मिक मुखी ने रिलीज़ की हुंदी है। मैं जोगी जी तुहाडे तों पुछना चाहना कि तुहाडे घरे धी नहीं जम्मी हुई जे तुहाडे घरे धी जम्मी हुंदी और यही चारे ठाकुर जड़े ने उहदा गैंग रेप करदे उहदा कतल कर दिंदे ते तुसीं अपनी धी नूं या दूजा कोई मुख्यमंत्री जिहड़ा वा वह 2:30 बजे साड़दा ते फिर पता लगना सी कि धी दा दर्द जिहड़ा वा किहनूं कहिंदे आ। और इस गल नूं लैके फगवाड़ा च साडी 7 अक्तूबर नूं मीटिंग हुई जिहदे अंदर धार्मिक समाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होए और परम पूजनीय स्वामी प्रगटनाथ जी महाराज ने 10 अक्तूबर को ऐलान किया कि पूरा पंजाब जिहड़ा उस बेटी नूं इंसाफ दवाउण दे लई पंजाब बंद करेगा। इस तों इलावा लगभग 3.5 लाख साडे बच्चे जिहड़े ने वो कॉलेजां दे विच उहनां नूं जवाब मिल रहा वा उहनां दे वजीफे जिहड़े ने वो रोके जा रहे ने उहनां नूं बहाल कराउण दे लई बच्चे दा अगला जीवन सही करन दे लई जीवन नूं ठीक करन लई पढ़ाई गांह जारी रखण दे लई मैटर स्कॉलरशिप होए कपले नूं भी असी उजागर करन वास्ते अज जिहड़ा ए पंजाब बंद कीता वा। तो मैं आस करदा पंजाब दे तमाम लोगों ने जो इस पंजाब बंद विच हिस्सा लिया वा जो सत्कारयोग व्यापारियों ने सहयोग किया दुकानदार सत्कारयोग वीर ने मीडिया ने आम लोगों ने जिहड़ा साडा सहयोग किया उहदा दिल दीआं गहराईआं सी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट रविंदर जिमी के नाल फॉक्स .पंजाबी यूर सिटी यूर न्यूज़।